हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं डी फार्म फर्स्ट ईयर में, हमारा सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी में आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 क्वेश्चंस की, उन टॉप 10 क्वेश्चंस की जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी बैक है उनके लिए भी यूजफुल होगा और जो रेगुलर एग्जाम्स देंगे उनके लिए भी यूजफुल होगा। आज हम क्वेश्चंस के साथ साथ उनके एक्सप्लेनेशंस के बारे में भी बात करेंगे। ये क्वेश्चंस 3 मार्क्स 5 मार्क्स में भी दोनों में ही पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चंस को कैसे समझेंगे, कैसे आंसर करते हैं, ये आज हम यहाँ पे समझेंगे डिटेल में। क्लियर? तो चलने बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्या है पहले तो ये बताना है। क्लियर? सेकंड पूछा है कि हमारा क्या क्या स्कोप है, क्या क्या हमारा स्कोप है फार्माकोग्नोसी में। ये दो बातें इस क्वेश्चन में पूछी गई हैं। क्लियर? तो आइए पहले हम समझते हैं कि हम कैसे आंसर को लिखेंगे, कैसे समझेंगे कि हमें क्या लिखना है, क्या हमसे क्वेश्चन मांग रहा है। और सबसे अच्छी बात तो ये होगा अगर हम क्वेश्चंस को, आंसर्स को पॉइंट्स में लेकर चले, पैराग्राफ में ना लेकर चले, तो इजीली एग्जामिनर को भी समझने में आसानी होगी। क्लियर? पैराग्राफ में क्या होता है, चीजें समझ में कम आती है और आंसर्स भी हम अच्छे से नहीं लिख पाते हैं। और पॉइंट्स में लिखेंगे, मेन मेन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए जो कि इजीली समझ में भी आ जाएं। क्लियर? तो फार्माकोग्नोसी हमारा क्या होता है? फार्माकोग्नोसी हमारा एक ब्रांच होता है बायोसाइंस का, ब्रांच ऑफ बायोसाइंस। क्लियर? इसमें हम क्या देखते हैं, जो भी हमारे मेडिकल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, चीजें होती हैं, वो हम फार्माकोग्नोसी में देखते हैं। क्लियर? फार्माकोग्नोसी में जो भी प्रोडक्ट बनता है हमारा, वो हमारा नेचुरल चीजों से बनता है, जैसे कि हमारा प्लांट, एनिमल। क्लियर? फार्माकोग्नोसी में जो भी मेडिसिन, जो भी प्रोडक्ट, जो भी मेडिकल डिवाइसेस बनाए जाते हैं, वो हमारी कुदरती चीजों से लेकर बनाई जाती है। एनिमल सोर्स, प्लांट सोर्स, इन सोर्सेस से लेकर इनमें जो भी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होगा उसको आइसोलेट या फिर एक्सट्रैक्ट करके, आइडेंटिफाई करके निकालते हैं और उन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट से हमारा मेडिकल प्रोडक्ट्स बनता है। क्लियर? फार्माकोग्नोसी में हम ये देखते हैं। अब आगे बात करें कि हमारा फार्माकोग्नोसी में स्कोप क्या है। अब इतना तो हम समझ ही गए कि फार्माकोग्नोसी होता क्या है। क्लियर? तो स्कोप पे हम उसी हिसाब से समझेंगे। पहले आए देखते हैं, ये देखिए, तो वही जो मैंने बताया, फार्माकोग्नोसी क्या है, हमारा बायोसाइंस है, ब्रांच ऑफ बायोसाइंस है, जो कि क्या डील करता है, हमारे मेडिकल प्रोडक्ट से डील करता है, वो प्रोडक्ट्स जो कि हमारे क्या नेचुरली बने होते हैं। क्लियर? अब इसमें दो टर्म्स होती हैं फार्माकोग्नोसी हमारे, टू टर्म्स होती हैं, जिसमें एक होता है हमारा ड्रग और एक होता है हमारा ट्रू ड्रग। तो ड्रग की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो ड्रग हमारे वो होते हैं जो कि हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल ह्यूमन बॉडी या फिर एनिमल बॉडीज को ट्रीट करते हैं, उनके उनके बीमारियों को क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं और ठीक करते हैं। हमारा ड्रग तो ये हो गया जो कि हम यूज करते हैं, ह्यूमन बॉडी यूज करती है अपने फीवर, कोल्ड, जो भी हमारा पर्टिकुलर डिजीज है उस प्रॉब्लम के लिए ट्रीट करती है। क्लियर? अब क्रूड ड्रग क्या होता है? क्रूड ड्रग ये होता है कि नेचुरली चीजों से लिया हुआ ड्रग जो कि हमारे डिजीज को ठीक करता है, ये नेचुरली तरीके से बना होता है, कुदरती तरीके से लिया होता है, कुदरत से लिया होता है, जैसे कि बताया मैंने भी, प्लांट्स या फिर एनिमल सोर्स। क्लियर? तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, विनका ले लीजिए, हमने पढ़ा है विनका हमारा क्या है, प्लांट है। क्लियर? क्लोव ले लीजिए, लौंग, इसको ले लिया हमने, तो ये सब क्या है, हमारे नेचुरल चीजें हैं, कुदरती चीजें हैं। इनसे क्या बनता है, इनमें से हम एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब कि जो हमारा केमिकल एक्सट्रैक्ट या आइसोलेट करके हमको पाया जाता है,
उनसे क्या बनाते हैं, ड्रग बनाते हैं और वो हमारे पर्टिकुलर डिजीज को क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। क्लियर? तो ये तो हो गए हमारे क्या कि फार्माकोग्नोसी के बारे में, आखिर फार्माकोग्नोसी है क्या। क्लियर? तो अगर हम चीजों को मैंने अभी बताया पैराग्राफ में लिखोगे तो गुचड़ गुचड़ हो जाएगा, उतना समझ में भी नहीं आएगा। अगर हम चीजों को पॉइंट टू पॉइंट लेके चलेंगे तो समझ में भी आएगा और लिखने का तरीका भी अच्छा लगेगा। क्लियर? तो अगर आप पहले पॉइंट में ऐसे बताएं कि क्या है, हमारा फार्माकोग्नोसी ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि बहुत सारी मेडिकल डिवाइस और रिलेटेड चीजों से डील करती है। जो प्रोडक्ट हमारा होता है फार्माकोग्नोसी में, वो प्रोडक्ट हमारा नेचुरली चीजों से बना हुआ होता है। क्लियर? इसमें दो टर्म्स होते हैं, ड्रग, क्रूड ड्रग, क्रूड ड्रग को बता दीजिए, ड्रग को बता दीजिए। तो ये हो गया हमारा फार्माकोग्नोसी के बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन। क्लियर? अब अगर हम बात करें हमारे स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी में, तो स्कोप क्या करते हैं हम, हमारा स्कोप क्या है, जो भी हमारा ये हर्बल फॉर्मुलेशन है, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये क्या है, ये सब हर्बल ही है। इसमें क्या है, नेचुरली चीजों से ही हम ड्रग बना रहे हैं, प्लांट एनिमल सोर्स से ही हम एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट लेके ड्रग बना रहे हैं जो कि पर्टिकुलर क्या कर रहा है, डिजीज को ट्रीट कर रहा है। तो इसमें ही क्या करते हैं हम एक प्लांट लेते हैं, उसमें जो भी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, जो भी केमिकल प्रेजेंट है, और हम देख रहे हैं कि वो केमिकल हमारे डिजीज के लिए यूजफुल है, बहुत सारा वो थेरापेटिक एक्टिविटी लेकर चल रहा है, तो उस केमिकल को हम क्या कराते हैं, आइसोलेट कराते हैं। सेकेंडली फिर हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं। थर्ड हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। क्लियर? आइडेंटिफाई करते हैं मतलब कि क्या, पहले तो जो उसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उसको हम निकालते हैं आइसोलेशन की प्रोसेस से, फिर उसमें एक्सट्रैक्शन करते हैं, जो भी उसमें इम्प्योरिटी वगैरह प्रेजेंट होगी उसको हम अलग करेंगे एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस से, फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करना बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि हमको पता करना है कि जो हमने प्रोडक्ट, जो हमने ड्रग आइसोलेट किया है, निकाला है, क्या वो वही है जो हमने निकाला था या हम कुछ और ही लेकर आ गए हैं। तो ये चीजें देखने के लिए ये प्रोसेस हमारा फार्माकोग्नोसी में यूज होता है, एक हर्बल फॉर्मुलेशन। आप समझे कि आप ड्रग लेकर आ रहे हैं नेचुरल चीजों से, ऐसी लेकर आ रहे हैं, नहीं, कोई चीज हम ऐसी, अगर मिनका ऐसी ले लेंगे तो काम कर जाएगी, नहीं, उसमें से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हमको निकालना होगा, कंपाउंड हमको निकालना होगा, वो आइसोलेशन प्रोसेस के थ्रू होगा। अब वो वही निकाला है, उसके लिए आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा, तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी हमको करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें आयुर्वेद में, होम्योपैथी में जो भी ड्रग्स बन रही है वो इन सारे प्रोसीजर से होकर तब बनती है इंडस्ट्रियल्स में। क्लियर? तो हमारा स्कोप तो पहले यही हो गया कि क्या ये हर्बल प्रोडक्ट्स को बनाने में यूजफुल है। क्लियर? साथ ही साथ अगर हम बात करें, तो अगर हम बात करें 20th सेंचुरी में हमारा जो ड्रग था वो एनिमल किंगडम से मिला था। हमको ड्रग पहली बार जो हमारा फार्माकोग्नोसी में डिस्कवर किया गया था 21st सेंचुरी में, एनिमल किंगडम से डिस्कवर किया गया था। क्लियर? अगर हम इसकी हिस्ट्री की थोड़ी सी बात कर लें यहाँ पे, तो वो हमको एनिमल किंगडम से हमारा फर्स्ट ड्रग जो क्या हुआ था, डिस्कवर हुआ था, जो कि क्या है, जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही यूजफुल है। जो केमिकल हमने निकाला था वहां पे वो बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट यूजेस शो कर रहा था, थेरापेटिक यूजेस उसके बहुत ज्यादा थे, जो बहुत ज्यादा डिजीज पे काम कर रहे थे। क्लियर? तो इस प्रोसेस को 21st सेंचुरी में रिपीट किया गया प्लांट किंगडम पे, लेकिन किस पे, प्लांट किंगडम पे। ध्यान दें, इसी प्रोसेस को 21st सेंचुरी में रिपीट किया गया प्लांट किंगडम पे। क्यों? बहुत सारी नई वैरायटीज ऑफ हर्ब्स पाने के लिए। एनिमल किंगडम से जो मिला और भी ज्यादा ड्रग्स के लिए, और भी ज्यादा ड्रग्स और बीमारियों के लिए जो ड्रग्स हमने निकालनी है उसको पाने के लिए और भी ज्यादा रिसर्च की गई, और अगली रिसर्च हमारी प्लांट किंगडम पे हुई। क्लियर? बहुत सारी वैरायटीज ऑफ हर्ब्स पाने के लिए ये प्रोसेस किया गया।
फार्माकोग्नोसिक की अगर बात करें तो फार्माकोग्नोसिक अपने आप में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्लियर। और इसमें काम करने का जो प्रोसीजर होता है वो भी बहुत डिफरेंट होता है, क्लियर। तो आइए देखते हैं। तो अभी बात की जो मैंने फार्माकोग्नोसिक क्या है, फार्माकोग्नोसिक हमारा जो भी हम एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट निकालते हैं आइसोलेशन एक्सट्रैक्शन आइडेंटिफिकेशन में यूजफुल है, क्लियर। साथ ही साथ बात की मैंने 20th सेंचुरी में हमारा जो बस डिस्कवर्ड हुई थी हमारी वो प्लांट किंगडम से ली गई थी जो कि बहुत ही एसेंशियल ड्रग्स थी वो हमारी, क्लियर। और अगर हम सेकेंडली बात करें तो 21st सेंचुरी में यही प्रोसेस हमारा प्लांट किंगडम पे अप्लाई हुआ था और भी ज्यादा वेराइटीज ऑफ हर्ब्स पाने के लिए, क्लियर। तो अगर देखें वही तो चाहते तो हम भी पूरा पैराग्राफ में कर सकते हैं लेकिन पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं तो चीजें अच्छे से समझ में आती हैं और सामने ही दिख जाती है, हम खोजना नहीं पड़ता पैराग्राफ में से, क्लियर। तो ऐसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट को अगर हम लिख देंगे तो हमें मार्क्स भी इजिली मिल जाएंगे। देखिए क्वेश्चन को समझे और फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका, इसके ही मार्क्स होते हैं कि आपने क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट किया है, क्लियर। चलिए तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ड्रग एडल्ट्रेशन। देखिए पहला पार्ट इस क्वेश्चन का कि हम ड्रग एडल्ट्रेशन से क्या समझते हैं, क्या है हमारा ड्रग एडल्ट्रेशन, क्लियर। पहला क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन में पहला पार्ट हमारा देखिए ये है। अगर हम सेकेंड पार्ट की तरफ चले इस क्वेश्चन के तो क्या बोलता है ये कि इसके डिफरेंट टाइप्स बताइए, इसके जो अडल्ट्रेशन है हमारा इसमें कितने टाइप्स अडल्ट्रेशन होते हैं, अडल्ट्रेशन के कितने टाइप होते हैं थोड़ा सा इसके बारे में भी बताइए, उनके टाइप्स और टाइप्स में क्या क्या होते हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। चलिए अडल्ट्रेशन हमारा क्या होता है बता दिए हमने, मिलावट, क्लियर, मिलावट। सेकंड बता दिए, चलिए मैम ये टू टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है इंटेंशनल और एक होता है नॉन इंटेंशनल। तो क्या बस इतना ही बताएंगे आप, यही पूछा है कि टाइप्स बताइए और अडल्ट्रेशन क्या होता है, नहीं सिर्फ इतना ही नहीं बताना आपको कि अडल्ट्रेशन हमारा मिलावट होता है और क्या इसके दो टाइप होते हैं इंटेंशनल और नॉन, सिर्फ नाम लिख के नहीं हमें थोड़ा सा इसके बारे में बताना भी होगा कि हमारा इंटेंशनल क्या होता है और हमारा नॉन इंटेंशनल क्या होता है, क्लियर। अडल्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो अडल्ट्रेशन हमारा मिलावट होता है जो कि जैसे कि समझ ले आप, मैं एग्जाम्पल के तौर पर सबसे छोटा सा एग्जाम्पल लूंगी, हमारा मिल्क, और आजकल मिल्क लोग सेल करने के लिए ज्यादा अर्निंग करने के लिए अपने फायदे के लिए उसमें क्या ऐड कर देते हैं, वाटर। तो इससे क्या हो जाता है, हमारी क्वांटिटी तो बढ़ जाती है, क्वांटिटी तो इंक्रीज हो जाएगी, चलिए हाँ बहुत सारी क्वांटिटी होगी और सेल होगा और इनकम आएगी, लेकिन क्या होगा क्वालिटी कम हो जाएगी, क्या होगा क्वालिटी कम हो जाएगी। तो लोग इनकम पाने के लिए फायदा पाने के लिए क्या करते हैं, चीजों में मिलावट करते हैं, उसकी क्वांटिटी बढ़ाते हैं ताकि सेल ज्यादा हो, क्लियर। लेकिन सेल ज्यादा हो तो नहीं लेकिन वो क्वालिटी नहीं आ रही, और लोग क्या करते हैं आजकल क्वालिटी के पीछे भागते हैं कि हमको अच्छी क्वालिटी की चीज चाहिए, है ना। हम भी खुद भी अच्छी क्वालिटी की चीज को परचेज करेंगे, लो क्वालिटी की चीज को परचेज नहीं करेंगे। तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, मिल्क में वाटर ऐड करते हैं क्या सेल को बढ़ाने के लिए, क्लियर। तो ये हमारा मिलावट हो गया, इसको क्या कहते हैं अडल्ट्रेशन, ठीक उसी तरह से आजकल बहुत सारे मसालों में भी मिलावट होती है, क्लियर, ड्रग्स में भी मिलावट होती है, कलर का मिलावट होता है और हमारा स्वीटनिंग एजेंट फ्लेवरिंग एजेंट इनका मिलावट होता है, जो बहुत सारे बेवरेजेस आजकल हम यूज करते हैं, हमारा मैंगो शेक हमारा लीची शेक इनमें भी क्या होता है मिलावट होती है, क्लियर। तो ये होता है हमारा मिलावट और ये होते हैं हमारे दो टाइप्स के मिलावट मतलब अडल्ट्रेशन, क्लियर। तो कितने टाइप्स के अडल्ट्रेशन होते हैं, टू टाइप्स के, इंटेंशनल और नॉन इंटेंशनल। अब अगर हम बात करें कि हमारा मैम ये इंटेंशनल क्या होता है, तो इंटेंशनल बेटा वो अडल्ट्रेशन हो गया जो हमने जानबूझकर किया है,
क्लियर। जैसे दूध में पानी तो हम जानबूझ के मिला रहे हैं, कोई हमसे अनजाने में तो नहीं मिल रहा है, क्लियर। तो जो जानबूझ के की गई हरकत है, जो जानबूझ के की गई मिलावट है, उसको इंटेंशनल मिलावट मतलब इंटेंशनल अडल्ट्रेशन कहते हैं। और जो अनजाने में की गई, जो हमारा नॉन इंटेंशनल है, जो अनजाने में की गई मिलावट है, उसको हम नॉन इंटेंशनल कहते हैं। जैसे कि मान ले, अब एक ही तरफ हमने सॉल्ट रख दिया और एक ही तरफ हमने शुगर का पाउडर फॉर्म रख दिया, क्लियर। तो हम कंफ्यूज होते हैं क्योंकि दोनों का कलर एक है, दोनों ही पाउडर फॉर्म में है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने हमने उठाना नमक था, लेकिन हमने उठा लिया चीनी है, तो ये क्या हुआ, और हमने उसको मिक्स कर दिया। तो ये क्या हुआ, ये हरकत हुई जो हमारी, ये अनजाने में हुई। तो ये हमारा कोई इंटेंशन नहीं था कि हम उसको मिलाएं, क्लियर। हमने तो उठाना सॉल्ट ही था, लेकिन उठा शुगर लिया, तो वो क्या हुआ, अनजाने में होता। इसको क्या कहते हैं, नॉन इंटेंशन। कोई इंटेंशन नहीं था कि नहीं हमको वही उठाना है, वही उठाएं। फिर ये हो गया हमारा नॉन इंटेंशनल। मतलब कि कलर क्या होता है, कई बार सेम होते हैं, कई बार शेप सेम होते, कई बार स्मेल सेम होती है, तो ये अनजाने में हो जाती है, उसको क्या कहते हैं हम, नॉन इंटेंशनल कहते हैं। समझे, आई होप इतने पॉइंट सभी को क्लियर होंगे। चलिए, तो क्लियर है सभी को, तो आइए देखते हैं आगे। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है ये समझ में आ गया, क्वेश्चन को हम लिखेंगे कैसे ये समझना है, तो आइए देखते हैं। तो देखिए, तो अडल्ट्रेशन वही जो मैंने बताया, जो हमारे ओरिजिनल ड्रग में कोई भी पार्टिकल ऐड करते हैं, फॉरेन पार्टिकल, अनवांटेड पार्टिकल, जो उसकी क्वांटिटी तो बढ़ाएगा लेकिन क्वालिटी को कम कर देगा, उसको कहते हैं हम अडल्ट्रेशन, क्लियर। और हम देखिए उससे मिलती जुलती ही चीज मिलाते हैं ताकि पता भी ना चले कि हमने मिलावट की है। टू टाइप्स के होते हैं, मैंने अभी बात की, एक इंटेंशनल और एक होता है हमारा नॉन इंटेंशनल अडल्ट्रेशन, क्लियर। अभी तक देखिए, मैंने अभी बात की इंटेंशनल और नॉन इंटेंशनल, मैंने बताया कि हमको लिखना भी इसके बारे में थोड़े, तो यही नहीं, अगर सिर्फ टाइप्स पूछा है तो बस उसके टाइप्स लिख के छोड़ देंगे, सिर्फ नाम हेडिंग लिख के छोड़ देंगे, नहीं। अगर हम उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, टेबुलर फॉर्म में बताएंगे, पैराग्राफ में नहीं, तो और भी अट्रैक्टिव और अच्छा लगेगा देखने में भी, और समझ में भी इजीली आएगा, क्लियर। तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ऐसे पॉइंट्स बना के टेबल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फ्लो चार्ट में भी बना के लिख सकते हैं, क्लियर। तो जो इंटेंशनल में मैंने अभी बताया, जैसे कि जो चीजें हम मिलावट क्या है, इंटेंशनली करते हैं, जानबूझ के करते हैं, वो इंटेंशन में आता है। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे करते हैं, जब हमारा ड्रग बनता है, कोई प्रोडक्ट बनता है, क्लियर। तो क्या करते हैं, क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए क्वालिटी कम करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, मिलावट कर देते हैं, उससे ही मिलती जुलती चीजों का मिलावट करते हैं, क्लियर। और ये हमारा नॉन इंटेंशनल हो गया, जो कि क्या, जो कि हमारा इसके पीछे कोई बैड इंटेंशन नहीं था, बस वो क्या होता है, गलती से हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जो ड्रग्स होती है, कई बार जो प्रोडक्ट होते हैं हमारे, कई बार देखने में, स्मेल करने में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। कई बार दो चीजें एक जैसी दिखती है, अभी एग्जाम्पल दिया था मैंने सॉल्ट का और शुगर पाउडर का, तो वो नॉन इंटेंशनली हो जाता है, क्लियर। चलिए, आई होप सबको पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे, तो आइए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्लियर। तो आज इसमें हम बात करने वाले हैं, क्या क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ब्रीफ बताइए फाइटोकेमिकल एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग। फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग हमारा जो है चैप्टर नंबर, ये जो क्वेश्चन उठ के आया है हमारा चैप्टर नंबर 12 से उठ के आया है, क्लियर। हमने चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा है कि हमारा फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग क्या है, तो यही पे ये हमसे पूछ रहा है, इसके बारे में ज्यादा नहीं, बस ब्रीफ डिस्कशन कीजिए, थोड़ा सा हमको बताइए कि आखिर हमारा फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग होता क्या है, क्लियर। तो अब यहाँ पे हम जो पहला पॉइंट हमारा उठा लेंगे समझने के लिए इस क्वेश्चन में से, तो पहले हम समझेंगे कि आखिर हमारा फाइटोकेमिकल क्या होता है। ऑब्वियस सी बात है, सबके ही मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम फाइटोकेमिकल क्या होता है,
फिर उसके बाद चलो इन्वेस्टिगेशन तो हम समझ रहे हैं, ड्रग के बारे में हम समझ रहे हैं, लेकिन ये फाइटोकेमिकल क्या है? तो फाइटोकेमिकल को अगर हम पहले क्या करेंगे, तोड़ेंगे, इतना बड़ा वर्ड है, इसको हम तोड़ के समझेंगे, क्लियर? तो फाइटो का मतलब हो गया हमारा प्लांट और केमिकल का हो गया केमिकल। अच्छा, अब मैं एक और बात यहाँ पे बताना चाहूंगी, वो पूछेगा तो यही, लेकिन जरूरी नहीं है बस इसी वर्ड में पूछ ले, वर्ड राइट ब्रीफ अबाउट फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग, नहीं, ये मैंडेटरी नहीं है कि वो इसी तरह से ही पूछ ले, क्वेश्चन के वो वर्ड्स बदल देगा, वो फाइटोकेमिकल की जगह पे उसका मन करेगा तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी लिख सकता है, क्लियर? फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी लिख सकता है, फाइटोकेमिकल भी लिख सकता है, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमको समझना है कि हाँ ये वही पूछा है। कई बार यहाँ पर डिस्कस लिख देगा, इन डिटेल लिख देगा, लेकिन हमको कंफ्यूज नहीं होना है, वो वर्ड बदल देगा लेकिन वो पूछेगा यही, क्लियर? तो चाहे अगर यहाँ पे केमिकल की जगह पे कॉन्स्टिट्यूएंट आ जाए और कॉन्स्टिट्यूएंट की जगह पे केमिकल आ जाए, हमको कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब यही है, फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट को तोड़ेंगे तो प्लांट और केमिकल में वो टूटेगा, और फाइटो केमिकल को तोड़ेंगे तो वो प्लांट और केमिकल में टूटेगा, क्लियर? अब यहाँ पे समझने की बात क्या है कि आखिर फाइटोकेमिकल क्या होता है? तो हमारा मान ले प्लांट हो गया, क्लियर? प्लांट हो गया, प्लांट में मान ले हमने विन का ले लिया, क्लियर? अब हम क्या करेंगे, विन का में जो भी एक्टिव कंपाउंड है, एक्टिव कंपाउंड का मतलब जो भी उसमें केमिकल प्रेजेंट है, जो भी उसमें ड्रग प्रेजेंट है, जो हमारे थेरापेटिक यूज दे रहा है, जो हमारे डिजीज को ट्रीट करने में हेल्प कर रहा है, उसको क्या करते हैं, हम आइसोलेट करते हैं। आइसोलेट मतलब उसको हम निकालते हैं, हम प्लांट में से सॉल्वेंट की हेल्प से। अब ये आइसोलेट भी देखिए, सॉल्वेंट के बिना अधूरा है, ध्यान रखिए बात को, कि आइसोलेशन प्रोसेस भी सॉल्वेंट के बिना अधूरा, क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट जो है हमारा वो हेल्प करता है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को प्लांट में से बाहर निकालने में, पेनिट्रेट करता है वो ड्रग को, ताकि वो इजिली क्या हो जाए, बाहर आ जाए। तो आइसोलेशन के प्रोसेस पे सॉल्वेंट की मदद से क्या करता है, ये इन विंका में से हमारा एक्टिव कंपाउंड निकालता है, ये हमारा पूरा प्रोसेस जो है हमारा फाइटोकेमिकल में होता है, इसको हम फाइटोकेमिकल कहते हैं, क्लियर? अब यही है कि हमारा यही पूरा यही वर्ड क्या कह रहा है कि जो भी हमारा विंका प्लांट में एक्टिव कंपाउंड है उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, क्लियर? जो भी थेरापेटिक एक्टिविटी वो ड्रग शो कर रहा है उसको आइडेंटिफाई करेगा कि हाँ ये केमिकल इसमें प्रेजेंट है, ये इस डिजीज के लिए यूजफुल है, उसके बाद हमारा आइसोलेशन प्रोसेस होगा। तो इस पूरे प्रोसेस को हम फाइटोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग कहते हैं, क्लियर? चलें, ये हमने क्वेश्चन समझ लिया और ये हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन समझ लिया कि क्वेश्चन हमारा फाइटोकेमिकल क्या है और ये फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग क्या है, ये हमने समझ लिया। क्वेश्चन हमसे क्या मांग रहा है और हमको आंसर में क्या देना है, ये हमने समझ लिया है, क्लियर? चलिए, तो आइए बात करते हैं कि आंसर्स को हम कैसे देखेंगे, आंसर कैसे देंगे, क्लियर? तो फाइटोकेमिकल क्या है, जो कि वो सब्सटेंस है जो कि क्या हमारा प्लांट या फिर एनिमल द्वारा ऑब्टेन होता है। अब हमने लिया तो खैर नेचुरली है प्रोडक्ट, प्लांट ही लिया है हमने, विंका ही है, तो जो क्या कुदरती मिल रही है, अब जरूरी नहीं है कि प्लांट से ही हम एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट निकाले, क्लियर? नहीं, ये जरूरी नहीं है, प्लांट की जगह पे हमारा एनिमल भी हो सकता है, क्लियर? तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि मैम ने प्लांट कहा था, इधर एनिमल से भी नहीं कंफ्यूज, क्योंकि हमने क्या नेचुरली चीजों से निकालना है, वो प्लांट का कोई पार्ट हो सकता है या फिर एनिमल का भी कोई पार्ट हो सकता है, क्लियर? चलिए, तो हमने फर्स्ट पॉइंट समझा कि हमने फाइटोकेमिकल्स वो होते हैं जो हमको नेचुरली प्लांट या एनिमल सोर्स से मिलता है, क्लियर?
इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज की डेट में 500 से भी ज्यादा जो प्लांट्स हैं हमको क्या दे रहे हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनके बहुत सारे थेरापेटिक यूजेस हैं मेडिकल डिसीज में, क्लियर। तो फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, मैंने अभी बताया जैसे कि हम पहले क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, क्लियर। हम पहले भी इन्वेस्टिगेट करते हैं, आइसोलेशन से पहले भी और आइसोलेशन के बाद भी हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमने वही आइसोलेट किया जो हम करने गए थे कि कुछ और करके आ गए हैं, क्लियर। तो ये हमारा फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग होता है। अब एक और चीज बात यहाँ पे समझने की है कि मैम चलिए ये होता है, लेकिन हाँ इसके कुछ स्टेप्स भी तो होते होंगे, जैसे कि हम कुकिंग करने से पहले, सब्जी बनाने से पहले स्टेप्स होते हैं। ऐसी थोड़ी कि हम बस सब्जी डाल दी, नहीं, ऑयल डालते हैं, मसाले डालते हैं, क्लियर, वेजिटेबल्स डालते हैं, उसके बाद हम डालते हैं सब्जी, फिर उसको ढकते हैं, तब वो बन के आती है। और आती थोड़ी कढ़ाई में खा लेते हैं, अब उसको सामने गेस्ट के लिए जाने से पहले भी कुछ प्रोसेस होता है, प्लेट में ले जाते हैं, फिर ले जाते हैं गेस्ट के साथ। तो ठीक ऐसे ही एक्सट्रैक्शन से पहले, आइसोलेशन से पहले, एक ड्रग को निकालने से पहले एक प्रोसीजर होता है, एक ड्रग को मार्केट में ले जाने से पहले कुछ प्रोसीजर से वो ड्रग गुजरते हैं, क्लियर। जो हमारा ड्रग मार्केट में जा रहा है, उस मार्केट से पहले वो इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में, वो बहुत सारे प्रोसेस से होके गुजरता है, तब जाके वो मार्केट में जाता है। तो ठीक यहाँ पे भी कुछ स्टेप्स होते हैं हमारे, जैसे कि फर्स्ट स्टेप समझ लीजिए, अब हम किसी चीज को बनाने से पहले उस पर क्या करते हैं, स्टडी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस चीज के बारे में स्टडी करना जिस चीज के बारे में हम आगे काम करने जा रहे हैं, हमें जानना बहुत जरूरी है उस प्लांट के बारे में, उस प्लांट में यूज हुई चीजों के बारे में। जो भी चीजें हम आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन, फिर एक्सट्रैक्शन में यूज करेंगे उनके बारे में, क्लियर, उसके थेरापेटिक एक्टिविटीज के बारे में, क्लियर। तो प्लांट के किस पोर्शन से हमको एक्टिव इंग्रेडिएंट मिल रहा है, उसको निकालने में जो जो प्रोडक्ट हमारे यूज होंगे, क्या क्या प्रोडक्ट हमारे यूज होंगे, उसके बारे में स्टडी। और साथ ही साथ अगर हमने वो केमिकल निकाला तो वो केमिकल हमारे बॉडी के किस ऑर्गन पे क्या इफेक्ट करेगी, किस डिजीज के लिए क्या है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं दे रही है। तो ये सारी चीजों को क्या करना पड़ता है, हमको पहले स्टडी करना पड़ता है। तो किसी भी ड्रग का आइसोलेशन करने से पहले हम उस ड्रग के बारे में पढ़ेंगे, क्लियर। साथ ही साथ फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम आइसोलेशन करेंगे, हमने स्टडी की, अब हम क्या करेंगे, आइसोलेशन करेंगे सॉल्वेंट की हेल्प से, क्लियर। फिर उसके बाद क्या करते हैं, आइसोलेशन करके हमने निकाल दिया, अब हमने जो भी उसमें क्वालिटी प्रेजेंट है उसको अलग करनी है, तो एक्सट्रैक्शन करेंगे। साथ ही साथ अब हमने निकाल लिया कि ये हमारा फाइनल ड्रग है, फाइनल प्रोडक्ट है, अब हमको ये पता करना है कि वही है जो आइसोलेट करने हम गए थे, तो उसके लिए हम आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करेंगे। अब आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करने के बाद हमको क्या करना, आइडेंटिफाई कर लिया, अब उसमें क्वालिटी और क्वांटिटी, हमको ये दो टेस्ट होते हैं, उसकी प्योरिटी को चेक करना है, क्लियर। उसमें किसी तरह की इंप्योरिटीज तो अब तो प्रेजेंट नहीं है, तो ये हमारा क्वालिटी और क्वांटिटी से, ये दो टेस्ट हैं, इनसे भी ये गुजरता है। ये कुछ हमारे स्टेप हैं, कुछ हमारे स्टेजेस हैं जिससे क्रूड ड्रग पास होता है, क्लियर। तो चले आगे देखते हैं। तो फोर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फाइटोकेमिकल बिहेवियर प्लांट मटेरियल, तो ये हमारे कुछ स्टेप्स हैं, क्लियर। हम क्या लेते हैं, पहले ड्रग लेते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं, उसके बाद एक्सट्रैक्शन, प्योरिफिकेशन, आइसोलेशन, ये सब करवाते हैं। फिर उसके बाद कुछ स्टेप्स होते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि जो हमने आइसोलेट किया वो वही है, कुछ और है। फिर उसके बाद हम उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी चेक करते हैं, क्लियर। ये अगर देखें इसी बात को अगर हम पैराग्राफ में लिख देंगे तो हमको नहीं समझ में आएगा, अगर इसी बात को हम ऐसे पॉइंट में बनाकर, बॉक्सेस में बनाकर, या फ्लो चार्ट में, टेबल में बनाकर लिखेंगे
देखिए चीजें कैसे क्लियरली दिख रही है ना। तो यही काम को करना है हमको कि आंसर भी लिखना है और अट्रैक्टिव भी बनाना है, क्लियर? तो समझने में भी आसानी होगी। तो आई होप आपको पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे सभी। तो आगे बात करते हैं, आइए। पहले जैसे कि बताया कि इसमें कुछ टेस्ट होते हैं, तो फर्स्ट टेस्ट तो वो जो हम आइसोलेशन के तरह से करते हैं, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, वो अलग है। इसी में हमारे जो टेस्ट होते हैं दो, वो होता है हमारा क्वालिटेटिव, और सेकेंड होता है हमारा क्वांटिटेटिव। तो ये तो हमारे टेस्ट होते हैं जो कि प्योरिटी के लिए, या फिर हमने उसकी क्वांटिटी का पता करनी है कि आखिर जो उसमें ड्रग प्रेजेंट है, जो उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट, कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, कितना प्योर है, क्लियर? इंप्योरिटी अगर जो प्रेजेंट है, कितनी क्वांटिटी में इंप्योरिटी प्रेजेंट है, ये दो टेस्ट हम करते हैं पता। तो आइए देखते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, क्वांटिटेटिव केमिकल टेस्ट, ये टेस्ट हम करते हैं डिटरमाइन करने के लिए क्या प्योरिटी, जो हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट की प्योरिटी है, उसको उसकी प्योरिटी चेक करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। और इसी में हमारा जो सेकंड टेस्ट होता है, वो होता है हमारा क्वांटिटेटिव टेस्ट, क्लियर? ये हमारा क्या, उसमें किसी तरह की मिलावट तो नहीं है, ये पता करने के लिए हम करते हैं। अब आइए हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या कहता है कि शॉर्ट में बताओ कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग क्या होता है, क्लियर? शॉर्ट में बताओ क्लासिफिकेशन, मतलब कि क्रूड ड्रग की जो क्लासिफिकेशंस हैं वो क्या है, क्या क्या क्लासिफिकेशंस है। ये जो क्वेश्चन हमारा उठ के आया है, ये हमारा चैप्टर 2 से उठ के आना है। जो हमारा ये क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग है, ये हमने चैप्टर हमारा सेकंड में पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग के बारे में। तो अगर वहां पे हमने जो बात की थी, तो हमने कितने क्लासिफिकेशंस की बात की थी, हमने बात की थी हमारे अल्फाबेटिकल, मॉर्फोलॉजी, टेक्सोनॉमिकल, केमिकल, कीमोटेक्सो, और हमारा फार्माकोलॉजिकल, केमिकल। ये सारे क्या है, हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स हैं। अब इसमें क्या होता है कि हमारा जो एक पर्टिकुलर ड्रग है, वो ऐसे तो नहीं रखा जा सकता, क्लियर? वो ना ऐसे फाउंड हो सकते, जैसे हमारी डिक्शनरी होती है, हमको कोई वर्ड का मतलब पता करना हो तो पहले अल्फाबेटिकल जाते हैं, क्लियर? अल्फाबेटिकल में भी ए ई ए ए ए ओ ऐसे करके वो सारे सेट होते हैं, ठीक उसी तरह से ड्रग्स भी हमारे इसी तरह से सारे डिवाइड होते हैं, ताकि हम उनको इजिली फाइंड आउट कर सके। ये प्रोसेस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक ड्रग को फाइंड आउट करने के लिए, वरना हम कुछ और ही उठा लेकर आ जाएंगे, क्लियर? तो अब इसी में क्या है, हमारा जो फर्स्ट है अल्फाबेटिकल। तो अल्फाबेटिकल में क्या होता है, इसमें जो हमारी ड्रग्स होती है वो डिवाइड होती है अल्फाबेटिकली। अब अल्फाबेटिकली की अगर मैं बात करूं, तो जैसे कि एग्जाम्पल की हमारी अकेशिया हो गया, क्लियर? सेकंड हमारा बेंजोइन हो गया, क्लियर? थर्ड हमारा चिंसोना हो गया। तो ये देखो, ये क्या है, ये हमारे प्लांट्स हैं, ये हमारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जो कि आप देखेंगे अल्फाबेटिकली ए बी सी, ठीक है? डिल हो गया हमारा, एगॉट हो गया। तो ये क्या हमारे सारे डिवाइडेड है अल्फाबेटिकली ए बी सी डी, अल्फाबेटिकली के हिसाब से ये हमारे डिवाइड है। अब हमको अगर बेंजोइन निकालना होगा तो हम सीधा बी वाले रो में जाएंगे और बेंजोइन लेकर आ जाएंगे। तो ये इसके फायदे नहीं है, क्लियर? तो इसके बहुत से फायदे हैं, हम किसी भी ड्रग को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अल्फाबेटिकली हमारा वो ड्रग होता है, वो होता है जो हमारे जो ड्रग्स हैं वो उसमें क्या होते हैं, डिवाइडेड होते हैं अल्फाबेटिकली ए बी सी डी के हिसाब से डिवाइड। फॉर एग्जाम्पल अकेशिया, बेंजोइन, चिंचोना, डिल, एगॉट, ये हमारे क्या है, अल्फाबेटिकली डिवाइड है, क्लियर? तो साथ ही में अगर हम इसमें बात करें, हमारा जो नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी, इसमें जो हमारी ड्रग्स होती हैं वो पार्ट्स के, प्लांट ऑफ पार्ट्स के, जो भी प्लांट के पार्ट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सीड हो गया, क्लियर? हमारा लीव्स हो गए, हमारा बार्क हो गया, हमारा फ्लावर हो गया, हमारा फ्रूट हो गया। तो मॉर्फोलॉजी में क्या होता है, जो हमारी ड्रग्स हैं वो
कान के पार्ट्स के अकॉर्डिंग डिवाइड होती है. फॉर एग्जाम्पल सीड्स, लीव, बार, फ्लावर, फ्रूट्स. क्लियर? ये क्या है, प्लांट के पार्ट्स के, पहले सीड्स, फिर लीव्स, फिर बार, फ्लावर, फ्रूट्स. ये प्लांट के अकॉर्डिंग, उनके पार्ट्स के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं. क्लियर? अब इसी में अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हमारा टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन है. तो टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में हमारा क्या होता है, जो भी इसमें क्लास हमारी डिवाइड होती है वो हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में डिवाइड होते हैं. अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब कि हमारा हो गया जैसे कि क्लास, तो पहले डिवीजन, क्लियर, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये हमारा क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है. क्लियर? कि पहले डिवीजन, फिर उसका क्लास, फिर उसका ऑर्डर, फिर उसका फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज, क्या स्पीशीज है. तो इस तरह से हमारी जो ड्रग्स हैं वो डिवाइड होती हैं. क्लियर? अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन. केमिकल क्लासिफिकेशन में हमारा क्या होता है कि जिन भी ड्रग्स की केमिकल है, जिन भी ड्रग्स में जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो सेम पाया जाता है, उनको साथ में रखा जाता है. क्लियर? अब जैसे कि मान लें ग्लाइकोसाइड्स, एग्जांपल ले लें हम ग्लाइकोसाइड. अगर हम ग्लाइकोसाइड देखें तो ग्लाइकोसाइड जो हमारा केमिकल है वो हमारा डिजिटलेज और हमारा सेना, ये जो दो प्लांट है, इन दोनों प्लांट में जो हम एक्सट्रैक्शन आइसोलेशन करके जो हमको केमिकल मिलता है, ग्लाइकोसाइड भी मिलता है और इन दोनों में मिलता है. क्लियर? तो जिन भी प्लांट्स में सेम केमिकल मिलते हैं उनको एक साथ रखा जाता है हमारे केमिकल क्लासिफिकेशन में. क्लियर? अगर हम यहीं पे कीमो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो सेम ये इसका निर्धन जॉइंट है कि कई फैमिलीज ऐसी होती हैं, कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें केमिकल्स जो होते हैं सेम होते हैं. फॉर एग्जाम्पल वोलेटाइल ऑयल. अब अगर वोलेटाइल ऑयल की बात करें तो वोलेटाइल ऑयल हमारा अम्बेरिफेरिया और रूटेशिया, ये तो हमारे फैमिलीज हैं जो कि प्लांट्स की हमारे फैमिलीज हैं. इन दोनों फैमिलीज में जो भी प्लांट्स आते हैं उनमें वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है. तो देखें आप कि कीमो टैक्सोनॉमिकल में क्या कह रहा है हमको कि ऐसी बहुत सी फैमिलीज होती हैं जिन फैमिलीज में एक केमिकल, जो दो फैमिलीज होती है उनमें केमिकल क्या होते हैं, सेम होते हैं. दो से भी ज्यादा फैमिलीज ऐसी होती है जिनमें क्या, केमिकल सेम पाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल हमारा वोलेटाइल ऑयल, वोलेटाइल ऑयल हमारा अम्बेलिफेरिया फैमिली में जो प्लांट है उसमें भी प्रेजेंट है, और रूटेशिया जो हमारा प्लांट फैमिली है उसमें जो प्लांट रहेगा उसमें भी हमारा वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है. क्लियर? तो नेक्स्ट हम देखते हैं अगर हमारा क्या है, फार्माकोलॉजी. फार्माकोलॉजी में अगर हम बात करें तो इसमें जो ड्रग्स है हमारी जो डिवाइड हुई है वो हमारा थेरापेटिक एक्टिविटीज पे डिवाइड हुई है. मतलब कि जिन ड्रग्स की थेरापेटिक एक्टिविटी, जिन ड्रग्स की यूजेस क्या हो, सेम हो, उनको एक साथ रखा गया है. अब कहेंगे मैम कौन से यूजेस हैं जो सेम है, कौन से दो ड्रग्स की, तो ले लें जैसे परगेटिव हो गया हमारा, प्रॉब्लम हमारी परगेटिव है. परगेटिव क्या होता है हमारा, जो हमारा बॉडी वेस्ट को क्या करता है, बाहर निकालने में हेल्प करता है. तो परगेटिव जो एक्टिविटी शो करती है वो हमारे शो करता है कैस्टर ऑयल. क्लियर? कैस्टर ऑयल और साथ ही साथ हमारा परगेटिव जो एक्टिविटी शो करता है वो हमारा सेना. सेना और कैस्टर ऑयल हमारे क्या, परगेटिव एक्टिविटी शो करते हैं. तो ये देखें कि प्रॉब्लम एक है और लेकिन दो ड्रग्स हमारी ये प्रॉब्लम्स को ट्रीट कर रही हैं, तो इनको उस हिसाब से रखा जाता है. क्लियर? चलिए
आगे देखें, अब इनके बारे में हमने उसमें क्या पूछा था कि इनके बारे में ब्रीफ डिस्कशन कीजिए। तो हमने पहले क्लासिफिकेशन सीख ली, अब क्लासिफिकेशन के बाद इनको ये क्या होते हैं एग्जाम्पल देकर हमको ये बताना भी है। क्लियर? तो इसमें क्या होगा, ये 3 मार्क्स 5 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। क्लियर? आइए आगे देखें। तो अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन मैंने बताया जैसे कि इसमें जो भी ड्रग्स हैं वो हमारी अल्फाबेटिकली डिवाइड की जाएंगी। फॉर एग्जांपल अकेशिया, बेंजोइन, चिंचोना, डिल, ऑर्गर, ये क्या है, अल्फाबेटिकली हमारी सीक्वेंस में रखी गई है। मॉर्फोलॉजी के बारे में बताया कि जो भी ड्रग्स हमारी वो डिवाइड होंगी वो प्लांट के पार्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड होंगी। एग्जाम्पल हमारा जैसे कि सीड, लीव, बार्क, फूड, फ्लावर, ऐसे। तो इनके बारे में अगर हम थोड़ा थोड़ा बताएंगे भी तो हमको क्या होगा, अच्छा मार्क्स मिल सकता है। फार्माकोलॉजी में मैंने बताया था कि हम उन ड्रग्स को साथ में रखते हैं जिनके क्या थेरेप्यूटिक यूजेस हमारे सेम होते हैं, जैसे कि पर्गेटिव। पर्गेटिव हमारा कैस्टर ऑयल और सेना दोनों में ही होते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन में मैंने बताया था कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं कई बार ऐसा होता है उनमें सेम केमिकल प्रेजेंट होते हैं तो उनको हम साथ रखते हैं। फिनोटैक्सोनॉमिकली बताया था कि कई बार ऐसा होता है कि दो फैमिलीज में एक ही केमिकल प्रेजेंट होता है तो उनको हम उस तरह से डिवाइड करके रखते हैं। देखिए टैक्सोनॉमिकल में मैंने बताया था कि हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस की सीक्वेंस में करते हैं, जैसे कि हमारा डिविजन, हमारा क्लास, हमारा सब क्लास, हमारा ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इस क्लास में हम ड्रग को डिवाइड करते हैं। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, समझने की बात ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि मेडिसिनल प्लांट हमारे नेशनल इकोनॉमिक में क्या रोल प्ले कर रहे हैं। हम उनके बारे में, जो हमारे मेडिसिनल प्लांट नेशनल इकोनॉमिक्स में रोल प्ले कर रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताएं, ब्रीफ डिस्कशन करें। क्लियर? तो चलिए आगे बात करते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जो हमारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, विंका हो गया हमारा, क्लोव हो गया हमारा, सेना हो गया हमारा, ये सारे क्या हमारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं। और देखा जाए तो ये ह्यूमन बीइंग को भी डेवलप कर रहे हैं और कंट्रीज को भी डेवलप कर रहे हैं। ये नेशनल इकोनॉमिक क्यों कहा गया है, कंट्रीज को भी क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, दोनों के डेवलपमेंट में ये यूज हो रहे हैं। कि हम क्या करते हैं, प्लांट्स का सेल भी करते हैं। क्लोव हो गया, सेल कर रहे हैं। क्लोव के कितने सारे हमारे थेरापेटिक एक्टिव, उसमें क्या प्रेजेंट है, यूजिनॉल प्रेजेंट है जो कि हमारा क्या है, एनर्जेसिक है, जो हमारे टूथएक में भी काम आता है। तो ये क्या करता है, ये ह्यूमन बीइंग्स के डेवलपमेंट में भी काम आ रहा है और हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में भी काम आ रहा है। तो यही हमको रोल क्या है इस क्वेश्चन में लिखना है, इसके बारे में हमको थोड़ा सा बताना है। हमें मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में थोड़ा सा बताना है, इनके रोल के बारे में बताना है। तो चलिए देखें, सिर्फ इतना ही नहीं बताना। देखो क्वेश्चन ने तो हमसे इतना ही पूछा है कि बताइए आप, लेकिन यही नहीं बताना कि हमारे कंट्रीज को डेवलप कर रहा है, कई प्लांट्स को हम सेल करते हैं तो ये इस तरह से कंट्रीज को डेवलप कर रहा है और इसी तरह से कई भी प्लांट्स हम क्या करते हैं, डिजीज के लिए यूज कर रहे हैं तो ये ह्यूमन बींग के लिए भी यूजफुल है। यही दो पॉइंट नहीं लिखने, अब हमको अगर 5 नंबर में पूछा तो हमको इसको थोड़ा डिटेल में भी बता के लिखना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से, उसी पर्पज से आज हम पढ़ेंगे। तो देखें तो ये तो पता ही है कि बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे 500 से भी ज्यादा प्लांट्स जो है हमारे यूज मेडिसिनल प्रॉपर्टीज दे रहे हैं, जो हमारे थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज दे रहे हैं, जो हमारे बहुत सारे डिजीज को ट्रीट कर रहे हैं और ये प्लांट्स सेल भी हो रहे हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज इनको यूज भी करती है, ले भी रही है क्या, ड्रग्स बनाने के लिए। तो इस तरह से ये हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में भी काम आ रहा है, ह्यूमन बीइंग के लिए भी यूजफुल है। क्लियर? तो देखें हमारे इंडिया में इतने सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी है और बहुत ही ज्यादा यूजफुल भी है डिजीज के लिए। क्लियर? विंका ही ले लो, हम विंका ही ले लेते हैं। इसमें जो हमारा केमिकल प्रेजेंट होता है वो विन क्रिस्टल और विन ब्लास्टिन होता है, पढ़ाया है मैंने। तो विन क्रिस्टल और विन ब्लास्टिन हमारा क्या शो करता है, एंटी ट्यूमर, एंटी कैंसर। आजकल देखें तो कैंसर का ट्रीटमेंट कितना एक्सपेंसिव है, तो हमारा ये नेचुरल प्रोडक्ट है।
नेचुरल मेडिसिन प्लांट है, तो क्या अगर नेचुरली भी हम किसी ड्रग को ट्रीट कर रहे हैं जिसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है, नेचुरल कुदरती चीजों से हम ले रहे हैं, तो इसी तरह से ये हमारा नेशनल इकोनॉमिक भी यूजफुल है, मतलब हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए भी यूजफुल है। क्लियर? बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो हमारी हर्बल मेडिसिन बना रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, उनको सेल कर रही हैं, और बहुत सारी डिजीज के लिए भी हमारा ये यूजफुल है। क्लियर? बहुत सारी जो हमारी ड्रग्स हैं वो बहुत ज्यादा हमारे बहुत सारे डिजीज में भी यूजफुल है, बहुत सारा थेरापेटिक एक्टिविटी हमारे शो कर रहे हैं। क्लियर? आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? We write a short note on herbs as health food. जो हमारे herbs हैं, वो हमारे health foods के लिए क्या useful है, क्या benefits हैं, क्या होते हैं, हमारे health के लिए क्या है, क्लियर, कितने important है, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। इसके बारे में हमको थोड़ा सा बताएं, इसके बारे में शॉर्ट नोट लिखें, क्लियर। तो इसमें हम आज तीन टॉपिक्स पे बात करेंगे। इसमें जो हमारा है वो हमारा न्यूट्रास्यूटिकल, सेकेंड हमारा है एंटीऑक्सीडेंट, और थर्ड हमारा है डायट्री फाइबर। ये क्या होते हैं, इनके क्या क्या यूजेस हैं, और हमारी बॉडी पे क्या ये इफेक्ट दे रहे हैं, इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे डिटेल में। क्लियर? इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो हमारे जो न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, ये क्या है, ये हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर? हमारे बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिनके पार्ट्स क्या न्यूट्रास्यूटिकल एक्टिविटी शो करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। हम ऐसा फूड खाते हैं जिसमें क्या न्यूट्रिशन का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लियर? अगर हम न्यूट्रिशन डाइट नहीं लेंगे तो हमको न्यूट्रिशन से जो रिलेटेड डिजीज डिसऑर्डर्स होते हैं वो प्रॉब्लम हमको हो सकती है। इसलिए हमको ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन प्रेजेंट हो। क्लियर? तो और सेकंड हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा बोल रहा है एंटीऑक्सीडेंट, तो ऐसे बहुत से प्लांट होते हैं जिनके पार्ट्स हमारे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं, जो कि हमारे स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हमारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, हमारे जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स, इन प्रॉब्लम्स में यूजफुल होता है। तो हमारे जो बहुत सारे जो हम फूड्स ले रहे हैं उसमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ये भी होती है कि वो हमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी शो करता है। क्लियर? डाइट्री फाइबर मतलब हमें एक ऐसा सप्लीमेंट लेना चाहिए, ऐसी चीजें लेनी चाहिए, ऐसा फूड लेना चाहिए जिसमें क्या फाइबर की मात्रा भरपूर हो। फाइबर क्या होता है, हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फाइबर, जो हमारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम जीआईटी प्रॉब्लम इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे फूड में हम जो खाना खा रहे हैं, हम जो डाइट ले रहे हैं, उसमें फाइबर का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, फूड डाइजेशन में हेल्प करता है, जीआईटी प्रॉब्लम से हमको ट्रीट करता है, इन सारी प्रॉब्लम से हमारा डाइट्री फाइबर यूज होता है। तो आइए, हमने जान लिया कि हमारा क्वेश्चन हमसे मांग क्या रहा है, और जो हमसे मांग रहा है वो आखिर होते क्या है, अब इसको हम लिखेंगे कैसे ये जानेंगे। तो न्यूट्रास्यूटिकल, न्यूट्रास्यूटिकल हमारा क्या है, हमारा जो 1918 में न्यूट्रास्यूटिकल 1989 में हमारा स्टीफन डेफ्लाइस ने क्या किया था, डिस्कवर किया था, इसके बारे में बताया था। न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए कितने इंपॉर्टेंट है ये बताया था, इसके क्या क्या यूजेस है ये बताया था। क्लियर? बहुत सारे हमारे मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं जिनके पार्ट्स में क्या न्यूट्रिशन होता है, जो कि हम फूड ले रहे हैं वो हमारा क्या, हमारी बॉडी को हेल्दी बना रहे हैं। हम एक हेल्दी बॉडी के लिए, हेल्दी हेल्थ के लिए हमको न्यूट्रिशन वाली डाइट्स लेनी चाहिए। क्लियर? और साथ ही साथ हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, हमारा एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या है, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी शो करता है, जो कि हमारे स्टमक के लिए यूजफुल होते हैं। बहुत सारे वेजिटेबल्स और प्लांट्स और फ्रूट्स होते हैं जिनमें क्या एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी शो होती है, ये एक आइडेंटिफाई करके, रिसर्च करके पाया गया है, और जो कि क्या हमारे बहुत सारे डिजीज के लिए क्या है,
बेनिफिट्स है, बहुत सारे डिजीज में क्या है ट्रीट दे रहे हैं, यूजफुल है ये, क्लियर। अगर हम आगे बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट था, डाइट्री फाइबर। डाइट्री फाइबर ऐसा है जो कि क्या करता है, हमको फाइबर है जो नॉन डाइजेस्टिबल होता है, क्लियर, जो नॉन डाइजेस्टिबल पार्ट्स को क्या करता है, जैसे कि हमारा क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, हमारे जिसमें क्या एटलीस्ट 3 मोनोसाकराइड्स प्रेजेंट होते हैं, मोनोसाकराइड से हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, ये क्या होता है हमारा डाइट्री फाइबर, क्या होते हैं नॉन डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो कि डाइजेस्ट नहीं होते हैं, वो वाले कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये, क्लियर। ये हमारी बॉडी के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं, हमारे डाइजेशन में, हमारे जीआईटी प्रॉब्लम में बहुत ही ज्यादा ये बेनिफिट्स होते हैं, क्लियर। आगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको जो भी क्वेश्चंस हम देख रहे हैं उसमें जो भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स आपको क्लियर हो रहे हैं उनके, क्लियर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो हमसे क्या पूछ रहा है कि राइट द टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइट, उन टेस्ट के बारे में लिखें जो ग्लाइकोसाइट्स का आइडेंटिफाई करता हो, मतलब कि जो प्लांट हमने लिया उस प्लांट में से जो भी केमिकल हमने निकाला उस केमिकल में से हमारे ग्लाइकोसाइट्स, हमारे ग्लाइकोसाइट प्रेजेंट है या नहीं है, वो प्रेजेंट है या नहीं है पता करने के लिए जो टेस्ट है, जो टेस्ट हम करते हैं उन टेस्ट के बारे में लिखें, क्लियर। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, हमसे ग्लाइकोसाइट प्रेजेंट है या नहीं है ये पता करने के लिए जो हम टेस्ट करते हैं उन टेस्ट के बारे में बताएं। तो हमारे कुछ टेस्ट होते हैं जैसे कि हमारा ड्रैगन ट्रॉफ टेस्ट हो गया, हैगर्स टेस्ट हो गया, मेयर्स टेस्ट हो गए, ये सब क्या है हमारे ग्लाइकोसाइट टेस्ट है, ग्लाइकोसाइट्स पता करने के लिए ये सारे टेस्ट हमको करने होते हैं, क्लियर। बहुत सारे टेस्ट होते हैं, हम चाहे ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट कर लें, चाहे हम मेयर्स टेस्ट कर लें, चाहे हम हैगर्स टेस्ट कर लें, इन तीनों टेस्ट से ही हम सैंपल लेंगे, ड्रग लेंगे, क्लियर, ड्रग लेंगे, ड्रग में हम फ्यू ड्रॉप्स हैगर्स डाल लें, हैगर सोल्यूशन डाल लें, क्लियर, या फिर हम फ्यू ड्रॉप मेयर्स डाल लें, क्लियर, या फिर ड्रैगन ड्रॉप डाल लें। ड्रग सैंपल तो हम वही लेंगे जिस प्लांट के पार्ट से हमको पता करना है कि इसमें ग्लाइकोसाइट प्रेजेंट है नहीं, जो ड्रग हमने एक्सट्रैक्ट किया उसमें हमने पता करना है इसमें ग्लाइकोसाइट है या नहीं, वो पोर्शन ले लेंगे हम, उसको सैंपल इसलिए लेंगे क्योंकि हमको अभी नहीं पता है कि वो क्या है, इसलिए हम उसको सैंपल कहते हैं, क्लियर। उसके बाद हम उसमें क्या ऐड करेंगे, हागर सोल्यूशन, मेयर सोल्यूशन, ड्रैगन ड्रॉप सोल्यूशन, ये सोल्यूशन है, इनके थ्रू हम पता करते हैं कि इसमें ग्लाइकोसाइट प्रेजेंट है या नहीं है, क्लियर। तो ये सारे टेस्ट हम कर सकते हैं पता करने के लिए ग्लाइकोसाइट्स का। तो आगे देखेंगे हम, देखिए कि हमारे टेस्ट के नाम है ड्रैगन ड्रॉप, मेयर्स, हागर्स और वैगनर्स, ये हमारे चारों टेस्ट हैं जो कि हम कर सकते हैं अल्कलॉय ग्लाइकोसाइट्स का पता करने के लिए, क्लियर। तो ड्रग सोल्यूशन लेंगे, ड्रैगन ड्रॉप ऐड करेंगे, फ्यू ड्रॉप ऑफ मेयर्स, हैगर्स और हम वैगनर, ये फ्यू फ्यू ड्रॉप हम ले लेंगे ड्रग सोल्यूशन के साथ। अगर हमारे ड्रैगन ड्रॉप में ऑरेंजिस रेड कलर आता है तो समझ लीजिए हमारा क्या ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है। साथ ही में अगर हमारा क्रीमी व्हाइट पीपीटी आता है, अगर हम मेयर्स टेस्ट करते हैं तो समझ लीजिए हमारा कि ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है, क्लियर। अगर हम यहाँ पे हागर्स टेस्ट करते हैं और हमको क्रिस्टलाइन येलो पीपीटी, पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट मैंने बताया है किसी लिक्विड में किसी सॉलिड पार्टिकल का बनना, उसको हम पीपीटी प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो अगर कोई व्हाइट क्रिस्टलाइन येलो क्रिस्टलाइन पीपीटी अगर बनता है तो समझ लीजिए हमारा कि ग्लाइकोसाइट प्रेजेंट है। अगर हम वैगनर टेस्ट करते हैं और हमको रेडिश ब्राउन पीपीटी मिलता है तो समझ लीजिए कि हमारा ग्लाइकोसाइट प्रेजेंट है, क्लियर। तो ये चीजें अगर हम चाहते तो पैराग्राफ में भी बता सकते थे, लेकिन ऐसे देखिए टेबुलर फॉर्म में हम बताते हैं तो इजीली हम समझ भी पा रहे हैं, इजीली हम बता भी पा रहे हैं। टेस्ट नेम लिख लीजिए, टेस्ट
टेस्ट नहीं की बात, कॉम्पोजिशन लिख लीजिए, हमने क्या क्या लिया है, ड्रग सैंपल लिया है, सोल्यूशन लिया है हमने जो टेस्ट कर रहे हैं उसका, उसके बाद जो रिजल्ट हमको आता है जिससे हमको पता चलता है कि ये आएगा तो हमारा ये प्रेजेंट होगा, तो हम ऐसे कॉलम बना के लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम आंसर को अटेम्प्ट करते हैं तो अच्छा अट्रैक्टिव दिखता है आंसर। क्लियर? चले तो इसी के साथ हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे वो क्या है, शॉर्ट नोट। पहले तो ये देखें शॉर्ट नोट किसके बारे में, शॉर्ट नोट बताना है हमको, सेना, तुलसी, डिजिटल। अब जो ये प्लांट्स है ये जो उठ के आए हैं, अगर हमने पढ़ा है हमारा चैप्टर फाइव, लंबा चैप्टर है चैप्टर फाइव, इस चैप्टर से हमको सेना, तुलसी और डिजिटाइश मिला है। क्लियर? इसके बारे में हमसे ये पूछा है कि इसके बारे में शॉर्ट नोट बताओ। अब ये चीज देखें कि हमने जो चैप्टर फाइव में प्लांट्स के बारे में पढ़ा था वो सिनोनियम पढ़ा था, फैमिली पढ़ी थी, बायोलॉजिकल सोर्स पढ़ा था, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पढ़ा था, यूजेस पढ़ा था। क्लियर? तो यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि आप इस ड्रग के बारे में बायोलॉजिकल सोर्स, सिनोनियम, फैमिली, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ये सब लिखे, इसमें बोला है कि शॉर्ट नोट लिखे। अब शॉर्ट नोट में आप चाहे तो आप सिनोनियम, बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिख सकते हैं, आप चाहे फैमिली, सिनोनियम, यूजेस, बायोलॉजिकल सोर्स लिख सकते हैं। क्लियर? तो आपकी मर्जी है कि आप कितना कंटेंट इसमें लिखना चाहते हैं। अगर पूछा होता पर्टिकुलरली कि इस जग का आप बायोलॉजिकल सोर्स, आप केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, आप यूजेस, आप सब कुछ ये सब मेंशन करें, तो आपको सब कुछ हेडिंग बना के मेंशन करना होगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये सब मेंशन नहीं है तो आप अपने हिसाब से हेडिंग बनाए बायोलॉजिकल सोर्स, अपने हिसाब से थेरेप्यूटिक यूजेस, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। आप चाहते हैं आपको ये तीनों हेडिंग्स के बारे में अच्छे से पता है, इस ड्रग के बारे में आपको यूजेस अच्छे से पता है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स अच्छे से पता है, आपको इसकी फैमिली अच्छे से पता है, तो आप उतना ही लिखें। क्लियर? हमको तब वही सब कुछ एग्जैक्ट बताना होता जब उसने एग्जैक्ट हमसे पूछा है। इस क्वेश्चन में हमसे कुछ भी एग्जैक्ट नहीं पूछा, हमसे बस इतना पूछा है कि आप सेना, तुलसी और डिजिटलिज के बारे में बताएं। तो अब हम इसके बारे में चाहे तो फैमिली, बायोलॉजिकल सोर्स और यूजेस इतना ही बता के छोड़ सकते हैं, और चाहे तो हम इसके बारे में जितना हमको आता है, अगर पूरा आता है तो हम इसको पूरा भी बता सकते हैं। क्लियर? तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम उठा लेते हैं हमारा तुलसी। तो तुलसी की अगर हम बात करें, तुलसी सबके ही घर में आजकल प्रेजेंट होगी। क्लियर? तो तुलसी का अगर हम फैमिली बात करें तो तुलसी की जो फैमिली है हमारी लमेशिया, क्या फैमिली होती है हमारी तुलसी की, लमेशिया फैमिली है, जो हमने पढ़ा है चैप्टर फाइव में। अगर तुलसी में हमने जो एक्टिव इंग्रीडियंट निकाला है तुलसी के किस पोर्शन से, तुलसी जो हमारा प्लांट है उसके किस पार्ट से हमने हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूट, हमने ड्रग जो है वो निकाली है, तो तुलसी का जो हमारा लीफ है, तुलसी की जो हमारी पत्तियां हैं, उसकी सूखी हुई पत्तियों से हमको एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिला है। क्लियर? अब वो क्या एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिला है हमको, जो तुलसी के लीफ में से केमिकल मिला है वो यूजिनॉल मिला है। यूजिनॉल क्या प्रॉपर्टी शो करता है, एनर्जेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब कि पेन में काम आता है। क्लियर? अब हम तुलसी है, जो तुलसी है हम एक्सपेक्टोरेंट की तरह अस्थमा पेशेंट्स को भी लेते हैं, जिनको खांसी, कफ, कोल्ड हो गया है वो तुलसी की टी लेते हैं, तुलसी की चाय पीते हैं, तो ये क्या है हमारा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में भी तुलसी क्या करती है, काम कर रही है। क्लियर? तो हमने देखो क्या क्या पढ़ लिया, तुलसी कहाँ से है, फैमिली क्या है, लमेशिया, उसमें बायोलॉजिकल सोर्स तुलसी के किस पार्ट से हमने एक्टिव इंग्रेडिएंट निकाला है, हमने उसके लीव से, उसके सूखे हुए लीव से एक्टिव इंग्रेडिएंट निकाला है, बायोलॉजिकल सोर्स पढ़ा, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट से क्या केमिकल हमारा उसकी लीव में प्रेजेंट था, यूजिनॉल हमारा केमिकल प्रेजेंट था। क्लियर? साथ ही साथ अगर उसके यूजेस क्या है, तो हमारे रेस्पिरेटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को वो क्या कर रहा है, ट्रीट कर रहा है, चाहे वो अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया। क्लियर? साथ ही साथ हमारा कफ, कोल्ड, फीवर में भी हमारा पेन में भी हमारा तुलसी काम आता है। तो आइए देखते हैं। तो देखो हमने प्लांट क्या लिया, हम इस तरह से भी चाहे आप चाहो तो पैराग्राफ में बताएं, और अगर आप टेबल फॉर्म में बताते हैं तो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। क्लियर? तो तुलसी का हम प्लांट देखिए, तुलसी फैमिली की बात की हमने, लमेशिया,
बाल सिनोनियम की बात की कि तुलसी को तुलसी के अलावा भी क्या कहते हैं, तो हॉली बेसिल, सैक्रेड बेसिल, क्लियर। अगर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो हमने मैंने बताया कि हमको इसमें से जो केमिकल मिला है वो सूखी हुई इसकी पत्तियों से मिला है, नाम क्या है, ऑक्यूमम सैंक्टम लीन, क्लियर। ये पूरा प्लांट का नेम है, स्पीशीज का नेम है। अगर हम केमिकल की बात करें तो हमको केमिकल आइसोथायरोसिन, यूरोसिलिक एसिड, यूजिनॉल, ये सारे केमिकल हमको प्रेजेंट है। आपसे जो केमिकल याद हो आप वो भी लिख सकते हैं, क्लियर। यूजेस की बात करें तो बताया फीवर के लिए, हार्ट पेशेंट, अस्थमा पेशेंट, इन सारी प्रॉब्लम्स में हमारा तुलसी काम आता है। क्लियर है सबको? आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा सभी को। बढ़े आगे, चलिए तो आइए हम देखते हैं अपने नेक्स्ट प्लांट को। तो हमारा जो नेक्स्ट प्लांट है वो है हमारा सेना, क्लियर। तो सेना के बारे में हमको जितना भी पता है, इसमें कुछ पर्टिकुलर नहीं पूछा है मैंने, स्टार्टिंग में बताया, जितना हमको आता है उतना हम इसके बारे में लिखेंगे। तो सेना, सेना को क्या फैमिली, अगर हम सेना की बात करें तो लेग्यूमिनेशिया हमारी सेना फैमिली है। अगर हम इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें, उससे पहले हम बात करते हैं कि इसके किस पोर्शन से, किस पार्ट से हमको केमिकल मिलता है। तो सेना में हमको उसकी सूखी हुई जो पत्तियां होती है उससे हमको केमिकल मिलता है, क्लियर। अगर जो केमिकल जो मिलता है, क्या केमिकल हमको मिलता है उसकी लीव से, उसकी लीव से हमको सेनोसाइड, ध्यान दें, सेनोसाइड ए बी सी डी, हमको ये सारे केमिकल प्रेजेंट होते हैं। ये जो सेनोसाइड है, ये हमारे जो सेनोसाइड की रिंग होती है, उस रिंग में हमारा एंथ्राक्विनोन प्रेजेंट होता है। ये एंथ्राक्विनोन क्लास से बिलोंग करती है। एंथ्राक्विनोन में क्या होता है कि जो एंथ्राक्विनोन की रिंग होती है वो ऐसे होती है, इनकी रिंग में एंथ्राक्विनोन भी प्रेजेंट होता है। और एंथ्राक्विनोन में खुद हमारा क्या ग्लाइकोसाइड्स क्लास से बिलोंग करता है। ग्लाइकोसाइड्स मैंने बताया था क्या होता है, ग्लाइकोसाइड्स हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो हमको कुदरती चीजों से मिला हुआ होता है। और ग्लाइकोसाइड्स में अगर हम इसको तोड़ते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हमको दो मॉइटीज मिलती है, एक शुगर एक नॉन शुगर। शुगर मॉइटी को हम एक ग्लाइकोन कहते हैं और नॉन शुगर मॉइटी को हम एक ग्लाइकोन कहते हैं। तो ये तो हो गया हमारा इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। अगर हम यूजेस की बात करें तो सेना हमारा लैक्सेटिव प्रॉपर्टी भी शो करता है। लैक्सेटिव का मतलब हमारा कॉन्स्टिपेशन, कप्स में भी हमारा सेना यूजफुल होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो पर्गेटिव प्रॉपर्टी भी हमारा सेना यूजफुल शो करता है। पर्गेटिव मैंने बताया था, जो भी हमारा बॉडी वेस्ट होता है उसको बाहर निकालने में हमारा सेना क्या करता है, यूजफुल होता है, हेल्प करता है, क्लियर। तो चलिए ये क्लियर हो गया सबको कि प्लांट्स के बारे में हमने फैमिली लिखी, बायोलॉजिकल सोर्स का कॉलम बनाया, केमिकल कॉन्सिक्वेंस का कॉलम बनाया, साथ ही यूजेस का भी कॉलम बनाया। ठीक इसी तरह से आप आंसर्स को लिख सकते हैं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्लियर। साथ ही चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सॉरी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट ट्रैक है वो है हमारा डिजिटलिस्ट। तो सबसे पहले अगर डिजिटलिस्ट की बात करें तो डिजिटलिस्ट का आप ये समझ लें कि ये हमारा हार्ट पेशेंट के लिए यूज होगा, क्लियर। जो भी हार्ट पेशेंट है, उनको हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, डिजिटलिस्ट में जो भी केमिकल प्रेजेंट होता है वो हार्ट पेशेंट्स के लिए यूजफुल होता है, क्लियर। तो डिजिटलिस्ट में अगर हम बात करें तो हमको कहाँ से मिला है, तो हमको इसकी डिजिटलिस्ट जो है सूखी हुई लीव्स, सूखी हुई पत्तियों से केमिकल हमको मिला है। जो केमिकल हमको मिला है वो हमको मिला है वेरिडोक्सिन, जिटलॉक्सिन, ये हमको केमिकल किसमें से, डिजिटलिस्ट में से मिले हैं, जो कि ये हमारे हार्ट पेशेंट के लिए, क्रोनिक हार्ट फेलियर के लिए, क्लियर, कार्डियोटोनिक प्रॉपर्टी, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, इन सारे प्रॉब्लम्स में क्या करता है, यूजफुल है, ट्रीट करता है, काम करता है, क्लियर। चलिए तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे क्या पूछता है कि राइट इन डिटेल, देखें ध्यान दें, डिटेल में क्या बताने हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, क्या प्रिपरेशन के मेथड्स बताने हैं, किसके, आयुर्वेद फॉर्मुलेशन के, जो आयुर्वेदा फॉर्मुलेशन, जो आयुर्वेदा में हमारी जो मेडिसिन बन रही है, क्लियर, उनके प्रिपरेशन बताने हैं, उनके मेथड्स बताने हैं कि किस तरह से वो प्रिपेयर हो रहे हैं, किस तरह से वो बन रहे हैं,
तो ये क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं, आज में हम बात करने वाले हैं जो जिनके प्रिपरेशन के बारे में हमको बात करनी है, वो अश्वा, गुटिका, चूर्ण। क्लियर? इन तीनों के प्रिपरेशन के बारे में हमको बात करनी है। तो आइए बात करते हैं अश्वा। अश्वा में क्या करते हैं हम, पहले हम क्या करेंगे, इसमें दो प्रोसेस थे हमारे, अगर हमने जो पढ़ा था आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन में, एक अश्वा एक अरिष्टा, दोनों का जो प्रोसेस था मेथड ऑफ प्रिपरेशन सेम था, बस फर्क कितना था कि अश्वा में जो हमारा था डिकॉक्शन प्रोसेस नहीं हो रहा था, और अरिष्ठा में हमारा डिकॉक्शन प्रोसेस हो रहा था। क्लियर? डिकॉक्शन प्रोसेस क्या होता है हमारा, बॉइल्ड। क्लियर? हमने ड्रग लिया, ड्रग को बॉइल किया। क्लियर? ड्रग लिया, पानी में डाला, उसको बॉइल किया, हीट प्रोवाइड किया, और जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस था उसमें क्या किया था, हमने ड्रग लिया था, ड्रग को खाली वाटर में डिजोल्व कर दिया था, वाटर में क्या कर दिया था, डिजोल्व कर दिया था। तो अश्वा में क्या है कि हम फाइन पाउडर लेंगे, ड्रग का एक फाइन पाउडर फॉर्म में उसको लेंगे, मतलब कि कुछ सॉलिड पार्टिकल उसमें प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। क्लियर? फिर क्या करेंगे हम, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, उसमें कुछ सोल्यूशन ऐड करेंगे, जैसे कि शुगर ऐड करेंगे, जैगरी ऐड करेंगे, हनी ऐड करेंगे, ये सारे सोल्यूशन हम उसमें ऐड करके उसको क्या करेंगे, फाइन पाउडर को मिक्स कर देंगे। फिर उसके बाद उसको बॉइल करेंगे, फिर उसके बाद उसको ठंडा करेंगे। क्लियर? ठंडा करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको एक वुडन वेसल होता है, मैंने बताया था एक उनका एक ऐसे मटका होता था, उसमें क्या करते हैं, रख देते हैं और उसको टाई कर देते हैं क्लोथ से, एक कपड़े से टाई करने के बाद उसको कितने डेज के लिए, 2 to 3 days के लिए छोड़ देते हैं। क्लियर? उसको छोड़ने के बाद जब उसमें ओपन करते हैं, उसमें जो भी अपर पार्ट आया हुआ था होता है, जो भी उसमें ऊपर आया हुआ होता है फ्रूट, क्योंकि उसको हम निकाल लेते हैं, तो कवर कर देते हैं। कवर करने के बाद 3 से 4 दिन के लिए उसको छोड़ देते हैं, छोड़ने के बाद उसको फिल्टर करके निकाल के स्टोर कर देते हैं। ये तो हो गया हमारा अश्वा का प्रोसेस, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्लियर? जो हमारा नेक्स्ट है गुटिका, गुटिका मतलब हो गया हमारा पिल्स और टैबलेट। क्लियर? गुटिका को आयुर्वेदा में गुटिका कहा गया है, और हमारा एलोपैथी में हमारा टैबलेट, और पिल्स जो हम गोलियां लेते हैं, जो हम पिल्स लेते हैं, इनको क्या कहा गया है, टैबलेट कहा गया है, और इसमें इन्होंने गुटिका कहा है। तो टैबलेट को बनाने से पहले ना, तो हमको भी पता है कि टैबलेट को बनाने से पहले कुछ प्रोसेस होते हैं, जैसे कि हमने ड्रग लिया, फाइन पाउडर होगा। क्लियर? उसमें हमने क्या ऐड किया, बाइंडिंग एजेंट्स ऐड किए, उसको पहले हमने उसमें ड्रग ऐड किया, शुगर ऐड की, जो भी फ्लेवरिंग एजेंट जो भी हमको उसमें ऐड करना है केमिकल्स, वो ऐड किए। उसके बाद उसको हमने क्या किया, बॉईल किया, ठंडा किया, फिल्टर किया, बाइंडिंग एजेंट ऐड किया, उसके बाद हमने उसमें बाइंड किया, और बाइंड करने के बाद क्या किया, हमने उसको आगे की प्रोसेस के लिए भेज दिया। क्लियर? तो यही प्रोसेस है, इसमें देखेंगे हम, देखें फाइन पाउडर लिया, फाइन पाउडर को क्या, हमने उसको हीट प्रोवाइड की, इतनी हीट प्रोवाइड की कि वो भस्मा बन गया। भस्मा के बारे में बताया था कि उसको एक्सेस अमाउंट में हीट प्रोवाइड करने तो भस्म हो जाता है, राख हो जाता है, तो ये भस्म हो गया। फिर उसमें अदर इंग्रेडिएंट्स ऐड किए, जो भी हमें उसमें और इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं टैबलेट बनाने के लिए, हमने वो ऐड किया। उसके बाद क्या किया, उसका एक पेस्ट बना लिया, क्योंकि हमको टैबलेट बनाना है तो हमको उसको पेस्ट में कन्वर्ट करना होगा। क्लियर? उसके बाद हमने क्या किया, उसको आगे के फॉर्मुलेशन के लिए, प्रोसेस के लिए भेज दिया। क्लियर? अगर उसको हमने गुटिका, वटी, टैबलेट जो भी बनाना है उसके लिए हमने उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया। तो आई होप क्लियर हो रहा होगा सबको ये पॉइंट। इस तरह से हम इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप एकदम ऐसे ही वर्ड टू वर्ड देखें, आप छोटे छोटे पॉइंट्स उठा सकते हैं, उनको पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हैं, ऐसे टेबल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, सबको समझ में आ रहा है। चूर्णा, अब चूर्णा का चूरन, चूर्णन मतलब सबके घर में सभी चूर्ण लेते होंगे। क्लियर? तो चूर्णा का क्या, पाउडर, सभी
जो भी जिनकी भी स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी वो भी चूर्ण लेके होंगे, जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम डिजीज होती है उनमें भी कई सारे प्रॉब्लम्स में चूर्ण पाउडर में हमारी डोज फॉर्म आती है। तो चूरना उसको कहते हैं जो फाइन पाउडर फॉर्म होता है, बहुत ही इजी होता है बनाना इसको, हार्ड इसमें कुछ नहीं होता। फाइन पाउडर ले लेते हैं हम, जिसमें किसी भी ज्यादा फाइन भी नहीं और ज्यादा उसमें कोई सॉलिड पार्टिकल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फाइन पाउडर ले लेते हैं हम। क्लियर? उसके बाद क्या करते हैं, हम उसको सुखाते हैं, उसको क्रश करते हैं। उसके बाद हम उसको सीव सीव में से इसलिए निकालते हैं, छन्नी में से इसलिए निकालते हैं ताकि उसमें कोई भी अगर सॉलिड पार्टिकल, लार्ज पार्टिकल हो या फिर कोई इम्प्योरिटी हो तो वो क्या हो जाए, हमारी निकल जाए। क्लियर? फिर उसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं, और मिक्स करने के बाद क्या करते हैं, हम उसको क्लोज कंटेनर में स्टोर करके रख देते हैं, क्योंकि पाउडर है, अगर हम उसको खोल के रखेंगे तो उसमें जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा वो क्या होगा, उड़ सकता है, खराब हो सकता है। क्लियर? तो उसको पैक करके रख देते हैं। तो हमने देखा, हमने इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा कि कैसे कैसे हमारा अश्वा बना, कैसे हमारा गुटिका बना, टैबलेट बना, कैसे हमारा चूर्णा बना। तो इसी तरह से हम इन तीनों पार्ट्स को ऐसे टेबल फॉर्म में इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिख सकते हैं। क्लियर? क्लियर है तो कोई क्वेश्चन, बढ़े आगे। चलिए आइए अपने हम हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है क्या पूछता है हमसे, आइए देखते हैं। तो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो हमसे पूछ रहा है कि विंका के बारे में, अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि विंका के बारे में बायोलॉजिकल सोर्स बताएं, सामी बताएं, सिनोनियम बताएं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बताएं, पर्टिकुलर नाम से, पर्टिकुलर हेडिंग से कोई चीज नहीं पूछी है। आपसे इतना पूछा है कि विंका के बारे में बताएं, शॉर्ट नोट लिखें। तो आपसे जो याद होता है, जो आपको याद है वो लिखें। जैसे कि अगर आपको फैमिली याद है, फैमिली लिखें। इसके अनेक नाम याद है, बहुत इजी इजी नेम है इसके, पेरिविंकल इसका नेम है, सेना भी विंका भी लिख सकते हैं आप। क्लियर? तो साथ ही साथ इसमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, जैसे अभी स्टार्टिंग में मैंने एग्जांपल लेके बताया था कि हमारे जो विंका है उसमें हमारा विन क्रिस्टिन और विन ब्लास्टिन, तो ऐसे आप केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट भी लिख सकते हैं। यूजेस बताया था मैंने कि क्या यूजेस है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी शो करता है, एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टी शो करता है, तो यूजेस का भी कॉलम बना के आप यूजेस लिख सकते हैं। क्योंकि इसमें कुछ भी पर्टिकुलर नहीं पूछा है, इसलिए आपको जो याद है आप वो इसमें टेबल बना के या फिर पैराग्राफ में जैसा आपको सुटेबल लगे। मैं बताऊं तो आपको टेबल बना के लिखना अच्छा रहेगा, क्योंकि वो सामने भी दिखेगा और सही भी लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। क्लियर? तो आइए देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे विंका की बात करूं, तो विंका को हम सिनोनियम की बात करें तो पेरिविंकल भी कहते हैं। क्लियर? अगर विंका में हम देखें तो ये इसके सूखे हुए प्लांट, विंका का पूरा सूखा हुआ प्लांट, उसमें से हमको केमिकल मिलता है, उसमें से हम केमिकल आइसोलेट करते हैं, वो केमिकल होता है विन क्रिस्टिन और विन ब्लास्टिन। क्लियर? तो केमिकल जो हमारे यूजफुल है, जो केमिकल यूजर्स दे रहे हैं, वो हमारे बहुत सारे कैंसर और एंटी ट्यूमर में भी यूजफुल है, हॉटस्किन डिजीज में भी हमारा यूजफुल है, ये भी एक तरह का कैंसर होता है, लिम्फोमियास हमारे यूजफुल है, मतलब कि हमारे ब्लड कैंसर के लिए भी हमारा विन क्रिस्टिन विन ब्लास्टिन हमारा विन का यूजफुल है। क्लियर? तो इस तरह से आप इस आंसर को लिख सकते हैं। देखिए विंका प्लांट का कॉलम बनाया, प्लांट लिखे, सिनोनियम का पेरिविंकल, विंका रोशे, कैथरांथस, इनको इन तीन नामों से भी जाना जाता है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं बायोलॉजिकल सोर्स का भी कॉलम बनाया, आपको याद है। वैसे बायोलॉजिकल सोर्स लिखना हर ड्रग में, हर प्लांट में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको ये बताना जरूरी है क्योंकि हमने उसके किस पोर्शन से क्या केमिकल हमने आइसोलेट किया, क्योंकि ये बात हमको हर प्लांट में बताना इंपॉर्टेंट है। तो हम ऐसे करके इसको लिख सकते हैं, केमिकल के बारे में हम बता सकते हैं कि विन क्रिस्टिन विन ब्लास्टिन हमारे एंटी कैंसर एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टी शो करते हैं, यूजेस के बारे में हम ऐसे बता सकते हैं, स्ट्रक्चर अगर हम चाहें तो हम बता सकते हैं, लेकिन इतना तो पूछा है, इतना तो हमको बताना होगा। क्लियर? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस में जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हुए होंगे। तो अगर हम ये क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ लेते हैं तो ये क्वेश्चन भी हमारे 2 to 3, 2, 5 मार्क्स 3 मार्क्स कंटेन करते हैं। क्लियर? ये 5 मार्क्स और 3 मार्क्स में पूछते ही हैं, वर्ड्स थोड़े डिफरेंस हो सकते हैं, क्वेश्चन को लिखने का तरीका बदल सकता है, लेकिन क्वेश्चन ये पूछते हैं कि आपके सिलेबस से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट उठाए गए हैं, जो टॉप 10 क्वेश्चन आपके सामने एक्सप्लेनेशन के साथ रखे गए हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा।
नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, नेक्स्ट ड्रग्स के साथ. टिल देन ऐसे ही बने रहें, पढ़ते रहें. जय.